इस तस्वीर पर गौर कीजिए। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के एंड गेम की पूरी कहानी इस एक तस्वीर में छिपी है। तारीख 27 सितंबर, भारतीय समय के मुताबिक रात के कोई 11:30 बजे का वक्त। यूएन जनरल असेंबली में शिरकत करने पहुंचे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क से एक फोन किया। ये फोन इजरायली डिफेंस फोर्स को किया गया लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक के लिए था। वो एयर स्ट्राइक जिसने बेरूत को आग के जलते शोले में बदल दिया। इसराइल ने एयर स्ट्राइक के जरिए इतना घातक प्रहार किया कि कुछ देर तक जमीन में शोले उठते रहे। धमाके की आवाज सुनाई देती रही। इसी एयर स्ट्राइक में बंकर में छिपा हिजबुल्लाह चीफ शेख हसन नसरल्लाह दफन हो गया। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में बेंजामिन नेतन्याहू ने करीब आधे घंटे तक अपनी बात रखी, लेकिन आखिरी के कुछ मिनट में उन्होंने जो कुछ कहा वो इस बात का संदेश था कि आगे क्या कुछ होने वाला है। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach, and that's true of the entire Middle East. Far from being lambs led to the slaughter, Israel's soldiers have fought back with incredible courage and with heroic sacrifice. And I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning! ऐसा नहीं है। न्यूयॉर्क से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के फोन के बाद आईडीएफ ने हमले की तैयारी शुरू की। तैयारी पहले से थी। बंकर बस्टर बम से लैस इजरायली फाइटर जेट तैयार थे। बस नेतन्याहू के आदेश का इंतजार था। और जैसे ही आदेश आया, लेबनान की राजधानी बेरूत, बेका और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के तमाम ठिकाने धुआं धुआं हो गए। इजरायली सैन्य बेस पर मौजूद ये वो फाइटर जेट है जिसे पहले से ही एयर स्ट्राइक या कहिए बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए तैयार किया गया था। फाइटर जेट के करीब में कई टन वजनी बम रखे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने PLU-109B और PLU-137B का इस्तेमाल किया। ये कंक्रीट की मोटी दीवार उड़ाने में सक्षम है। ये सभी बम अमेरिका में बनाए गए। बताया जा रहा है इन्हें पिछले साल दिसंबर में अमेरिका ने इसराइल को दिए थे। बेरूत में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर रिहायशी इलाके में था। ऐसे में इसराइल ने पिन पॉइंट हमला किया। बंकर बस्टर बम के साथ ही हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 60 से ज्यादा रॉकेट दागे जाने की खबर है। दावा है कि हेडक्वार्टर में कोई जिंदा नहीं बचा। हिजबुल्लाह का चीफ शेख हसन नसरल्लाह भी दफन हो गया। हालांकि इसकी अभी पुष्टि बाकी है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इसराइली हमले में नसरल्लाह की बेटी और उसका भाई हाशिम सफी अल-दीन भी मारा गया। हाशिम हिजबुल्लाह की कार्यकारी परिषद का चीफ था।